नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग माता रानी की और भगवान शनिदेव की कृपा से अपने जीवन काल में बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अब आपके नसीब का द्वार खुल चुका है जी। दोस्तों, अब अचानक से बदलेगी आपकी ज़िंदगी और आप लोगों को अगले 4 दिनों के भीतर जो बड़ी कामयाबी हाथ लगने वाली है, आप लोगों को जो बड़ी सफलता की प्राप्ति होने वाली है, आप लोगों को इसमें जिन क्षेत्रों में जो बड़ी उन्नति की प्राप्ति होने वाली है, दोस्तों उसे देखकर आपके आस पड़ोस के लोग भी कहेंगे वाह क्या नसीब है आपका, काश आपके जैसे नसीब हमारे भी होती जी। दोस्तों, अब अगले 4 दिनों के भीतर आपके जीवन काल में जो चमत्कार होने वाले हैं, जो परिवर्तन होने वाले हैं, जो बदलाव होने वाले हैं और आप लोगों को जो खुशियां प्राप्त होने वाली हैं, दोस्तों इस खुशखबरी को पाने के लिए आप भगवान से दिन रात मेहनत करते थे, आप बहुत अपनी ज़िंदगी में आप परिश्रम भी किए हैं, बहुत अच्छे कर्म भी किए थे। दोस्तों, उसी मेहनत का फल आपको अगले इन 4 दिनों के अंदर प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों, इन 4 दिनों के अंदर आपकी ज़िंदगी में वो चमत्कार होंगे दोस्तों, जिस चमत्कार को देखने के लिए आप सदियों से इंतजार करते आ रहे थे। दोस्तों, अब आपकी इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है जी। दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि दोस्तों, अब आप लोग यह गलती दोबारा भूल से मत करना, वरना आपकी ज़िंदगी बदलने के बजाय आपकी ज़िंदगी फिर से बर्बाद हो सकती है और आपके पास जो भी कुछ बचा है दोस्तों, अभी कुछ नहीं बचेंगे। तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग इन 4 दिनों की समय अवधि में ये गलतियां भूल से भी मत करना जी। दोस्तों, तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही खास वीडियो रहने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि अगले इन 4 दिनों की समय अवधि में आखिर वह कौन सी गलतियों को करने से आपको बचना होगा, आखिर आपकी ज़िंदगी में कौन से परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, कौन कौन सी बड़ी खुशियाँ आपको प्राप्त होने वाली हैं, तो आपकी ज़िंदगी में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, कौन कौन से क्षेत्र में आप लोगों को व्यस्त में क्या बड़े चमत्कार भी देखने को मिलेंगे। साथ ही इन 4 दिनों की समय अवधि में आपके बिजनेस व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपके करियर में, आपकी आर्थिक स्थिति में क्या बड़े परिवर्तन होंगे, इन क्षेत्रों से आप लोगों को व्यस्त में क्या बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली हैं। साथ ही बात करेंगे इन 4 दिनों की समय अवधि में आपके घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में क्या बड़े सुधार भी देखने को मिलेंगे, हम आपको सारी की सारी जानकारियाँ पूरी सटीक भविष्यवाणी करके बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को आप लोग मिस कर देंगे तो आप लोग ज़िंदगी भर पछताते रह जाएंगे जी। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें। तो आए दोस्तों, बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उससे पहले माता रानी के सभी सच्चे और प्यारे भक्त इस वीडियो को अभी कभी अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से जय माता रानी जरूर लिखें, आपकी सारी की सारी मनोकामनाएँ जल्दी ही पूर्ण हो जाएंगी और आपके जो बिगड़े कार्य थे दोस्तों, अभी जल्दी ही पूर्ण हो जाएंगी। तो आए दोस्तों, बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 4 दिनों का समय आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही लकी समय साबित होने जा रहे हैं। दोस्तों, इन 4 दिनों के समय अवधि में आप लोगों को अचानक से जो बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है, आपको अचानक से इसमें करियर के क्षेत्र में जो बड़ी कामयाबी हाथ लगने वाली हैं दोस्तों, उसे देखकर आप और आपका पूरा परिवार खुशी से नाचने लग जाओगे। और दोस्तों, आप लोग जिस कार्य को सफल बनाने के लिए जो आप कई सालों से मेहनत करते आ रहे थे, जो आप परिश्रम करते आ रहे थे, लेकिन दोस्तों आपका वह कार्य सफल नहीं हो रहे थे, तो दोस्तों वह भी कार्य इन 4 दिनों के अंदर आपके पूरे हो जाएंगे और आपके जो सोचे हुए कार्य थे दोस्तों, वह भी इन 4 दिनों के अंदर किसी व्यक्ति की मदद से आपके अचानक से पूरे हो जाएंगे। और दोस्तों, और यश में जिस काम की जिम्मेदारी आप लोग लेंगे, उसका निर्वहन आप बहुत ही बढ़िया तरीके से करने में कामयाबी होंगी। कार्य क्षेत्र में इसमें सीनियर और जूनियर दोनों का आपको भरपूर साथ प्राप्त होंगे और इस दौरान करियर और कारोबार के सिलसिले में अगर आप यश में कोई यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ एवं बहुत ही लाभप्रद साबित भी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यात्रा के दौरान आप लोगों को कुछ ऐसे बड़े लाभ की प्राप्ति होंगी दोस्तों, जिस लाभ के बारे में आपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। ओ दोस्तों, अगर आप लोग कई दिनों से पैसों को लेकर समस्याएं आपके घर में चल रही थी, आप काफ़ी परेशान थे पैसों के मामले में, तो आप लोगों को कुछ दिनों के समय अवधि में अचानक से कुछ ऐसे बड़े धन की प्राप्ति होंगी जिनसे आपकी आर्थिक स्थिति में इसमें काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेंगे और आपके जीवन में जो पैसों को लेकर समस्याएँ चल रही थी
तो उन समस्याओं से आप लोगों को या समय अचानक से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे सकती है, जिनसे आपका मन या समय काफ़ी खुश भी दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों अब आप लोगों को यश में धन को सोच समझकर ही खर्चा करना होगा, नहीं तो फिर आने वाले भविष्य में आप लोगों को उधार लेने की नौबत आ सकती है या फिर आपको फिर आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप यश में पैसों को जितना ही बचाकर चलेंगे दोस्तों वह पैसा उतना ही आपके भविष्य में काम आ सकते हैं। इसलिए आप हमेशा धन को खर्च करने से पहले सोच विचार कर लें तो ही आपके लिए बेहतर रहेंगे। आप लोग भी फालतू के खर्चों को करने से जितना सावधान रहेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं। और दोस्तों यश में एक ही दिशा में की गई मेहनत से आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। और दोस्तों आपके जीवन में जो समस्याएं सालों से आपको परेशान करती आ रही थी तो उन समस्याओं का यश में अंत होता हुआ दिखाई दे सकती है, जिनसे आप लोग यश में एक राहत भरी सांस भी लेंगे। और यश में किसी भी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से अचानक से आया कोई भी संदेश पूरे घर के लिए रोमांचक भी साबित हो सकते हैं और दोस्तों यश में किसी के साथ जरूरत से जल्दी दोस्ती करने से बचें, क्योंकि दोस्तों इसके चलते आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। तो ऐसे में यश में आप जिनसे भी दोस्ती कर रहे हैं दोस्तों आप उनके बारे में पूरी तरह से जांच लें, सोच समझ लें, तभी आप उनसे दोस्ती करें, नहीं तो दोस्तों वे लोग आपके साथ बड़ा धोखा भी कर सकते हैं। तो यश में आप जिनसे दोस्ती करेंगे आप पूरी तरह से सोच विचार कर लें तो भी आपके लिए बेहतर रहेंगे। और यश में आप जल्दबाजी में फैसला लेने से भी आपको बचना होगा, नहीं तो दोस्तों यह फैसला आपको बाद में पछताने के सिवाय कुछ नहीं देने वाले हैं। इसलिए आप यश में जो भी फैसला लेंगे बहुत ही सोच समझ कर लें और अपने से बड़ों का सलाह एक बार जरूर ले लें तो आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। और यश में आपको अपने धन और समय को खूब सोच समझ कर खर्चा करना चाहिए, अन्यथा आपको जीवन में आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप ऐसे समय को बर्बाद कर देंगे तो आपको जीवन में पछताना भी पड़ सकता है। तो यश में आप लोगों को बेफालतू के खर्चों को करने से बचना होगा और यश में आप समय का बर्बादी बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों आपके जीवन के लिए एक एक मिनट बहुत ही कीमती रहने वाले हैं, इसलिए आप समय को बर्बाद ना करें और जीवन में कुछ ना कुछ आप करते रहें तो आपके लिए ही बेहतर रहेंगे। दोस्तों जीवन में खाली बैठने से कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता है। आप अगर किसी भी क्षेत्र में हमेशा थोड़ा बहुत मेहनत करते रहेंगे तो आप लोगों को एक न एक दिन उस क्षेत्र में उस सफलता आप जरूर हासिल कर सकते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी आप समय बर्बाद ना करें और ना ही आप खर्चा करें, नहीं तो दोस्तों यही समय आपको जीवन में आगे चलकर आपको पछतावा भी दिला सकती है। और यश में आपको किसी के साथ छेड़खानी करने से भी बचना होगा, नहीं तो दोस्तों आपकी यही गलती आपको बर्बाद भी कर सकती है। तो यश में आप ये छोटी मोटी सावधानियाँ जरूर रखें। और दोस्तों जो लोग देश विदेश में व्यवसाय करते हैं दोस्तों उन लोगों को यश में काफ़ी अच्छा फायदा भी होंगे। और यश में आप लोग घर में परिजनों के साथ आनंदपूर्वक समय बिता लेंगे, जिनसे सभी का मन काफ़ी खुश भी रहेंगे। वो दोस्तों जो लोग बेरोजगार हैं या फिर जो लोग काफ़ी दिनों से नौकरी की तलाश कर रहे हैं दोस्तों उन लोगों को आज किसी भी अच्छी कंपनी से जॉब के लिए कॉल भी आ सकते हैं, जिनसे उन लोगों का मन यश में काफ़ी खुश दिखाएंगे और उनकी यह परेशानी भी दूर हो जाएंगी।